नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास मित्र ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, जो इस साल है आरटी के फॉर्म भरने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा है। काफ़ी दिनों पहले जो है आरटी का नोटिफिकेशन भी आ गया था, लेकिन जो है फॉर्म भरना अभी तक भी चालू नहीं हुआ है। दो बार उसकी डेट बढ़ा दी गई थी, कोरोना की वजह से बढ़ाई गई थी। उसके बाद में जो है फिर दोबारा से मई के अंदर फॉर्म भरने थे और वो भी कोरोना की वजह से आगे बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फॉर्म कब चालू होंगे और फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, कौन सी एज के बच्चों का फॉर्म भरेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं और क्या क्या आपको तैयारी करके रखनी है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देख लेना और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप तैयार करके रख लेना। अगर आप अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म भरना चालू हो जाए मैं जो है फॉर्म भरने की आपको डिटेल डाल दूंगा इसके अंदर और फॉर्म कैसे भरना है सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अब अपन अपने मेन जो नोटिफिकेशन आरटी का इस साल वाला वहाँ पर। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि पहले क्या होता था कि जो एंट्री लेवल कक्षा होती थी वो पूरी 3+, 4+ और 5+ में भी जो है बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन अब पिछले साल से गवर्नमेंट ने जो क्या किया है कि केवल फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन देते हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट क्लास में लेना चाहता है उसी को आरटी में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा एक में ही बालक को जो है निःशुल्क सीट के लिए एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं हम प्रवेश के लिए पात्रता की। तो यहाँ पर जो है प्रवेश के लिए पात्रता की जो शर्तें हैं वो ये है कि पहली शर्त तो ये है कि वो बालक जो है जिस भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है उस स्कूल के आस मतलब कैचमेंट एरिया का ही होना चाहिए, यानी अगर शहरी क्षेत्र में तो उस नगर पालिका नगर परिषद या नगर निगम का निवासी होना चाहिए, जिसमें स्कूल है उसी का वो रहने वाला होना चाहिए। अगर वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है तो जिस पंचायत में स्कूल है उसी पंचायत का वो रहने वाला होना चाहिए, उसी पंचायत के स्कूल में प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भर सकता है। तो ये आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी दूसरी बात जो है बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर दुर्बल वर्ग क्या होता है तो मैं बता दूँ आपको, दुर्बल वर्ग ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होती है उनको दुर्बल वर्ग में लिया जाता है। तो इसमें जनरल वाले भी आ गए और ओबीसी वाले भी आ गए, तो जिनकी पिताजी की आय 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग में आ जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं असुविधाग्रस्त समूह में, तो उसके अंदर जो एससी के बालक है, एसटी के बालक है और अनाथ बालक है, ये लोग इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है जिसके माता या पिता किसी को भी एचआईवी या कैंसर से प्रभावित हैं उनको जो है उनके जो बालक है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं असुविधाग्रस्त में। युद्ध विधवा के बालक है, निःशक्त बालक, जो निःशक्त व्यक्ति मतलब जो बालक है हैंडीकैप बालक वो भी इसके अंदर आते हैं। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है ये भी इसमें आते हैं। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार की ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग तैयार की गई बीपीएल सूची में सम्मिलित, मतलब जो बीपीएल वाले बालक हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं दुर्बल वर्ग में। तो अगर आप इनमें दुर्बल वर्ग में नहीं है तो आप जो दुर्बल वर्ग में नहीं है तो असुविधाग्रस्त समूह में हो, इनमें से किसी भी समूह में, दोनों में से तो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु संबंधी पात्रता की। तो आयु संबंधी पात्रता की बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन मिलेगा और उसमें एज रखी गई है 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और आयु की गणना की जाएगी 31 मार्च 2021 को, इस बात का ध्यान रख लेना। तो 5 साल से 7 साल के बीच का जो बच्चा है उसी का फॉर्म भरेगा इस साल, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। तो निवास के प्रमाण पत्र में आपको क्या है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो सबसे परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके अलावा अगर आपके पास मूल निवास नहीं बना हुआ है या तो बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो उसके अलावा जो है आप राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। आप बिजली के बिल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यही शर्त पानी के बिल के साथ में है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप निवास के प्रमाण पत्र के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें निःशुल्क प्रवेश है, तो जो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह है उसका जो प्रमाण पत्र आप कैसे लगाएंगे, तो उसमें क्या है कि मान लो अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से, तो आपको जैसे एससी में तो एससी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, एसटी में तो एसटी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ऐसे ही जिस भी कैटेगरी का उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर दुर्बल वर्ग से हैं तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं आयु का सबूत। तो आयु के सबूत में यहाँ पर आपको जो मांगा जाएगा वो जन्म प्रमाण पत्र प्रमुख रूप से माना जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके एवज में जो आप अस्पताल या सहायक नर्स जो ANM है उसके जो रजिस्टर है उसमें लिखा हुआ होता है तो उसकी कॉपी लग जाएगी, या फिर आंगनबाड़ी का अभिलेख चल जाएगा, मतलब कि वो जो ममता कार्ड होता है वो चल जाएगा, या फिर आधार कार्ड, इनको ही जो है आय के प्रमाण पत्र के रूप में मांगा गया है। तो ये सारी डिटेल, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार कर लेने फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरना जब भी चालू हो जाएंगे, कभी भी चालू हो सकते हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी भी चालू हो सकते हैं। जब भी चालू हो जाएंगे मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के सूचना दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।